इस विधि में बुवाई से लेकर फसल की कटाई तक ऐसे तरीके काम में लिए जाते हैं जिनसे पर्यावरण के साथ हमारे स्वास्थ्य की भी रक्षा हो सके और कम खर्च में भरपूर उत्पादन लिया जा सके। इसके लिए सबसे पहले गर्मी में खेत की गहरी जुताई करें। मई जून के महीने में खेत की मिट्टी पलटने वाले हल से गहरी जुताई करना अच्छा रहता है। इससे खेत में मौजूद कीड़ों की विभिन्न अवस्थाएं जैसे अंडे, प्यूपा और प्रौढ़ आदि तेज धूप में नष्ट हो जाते हैं। जुताई हमेशा सुबह या शाम के समय करनी चाहिए। इस समय कई प्रकार के पक्षी हल के पीछे पीछे चलकर जमीन से ऊपर आए कीटों को चुन चुन कर खाते हैं। खेत में फसलें हमेशा बदल बदल कर बोनी चाहिए, यानी फसल चक्र अपनाएं। ऐसा करने से फसल विशेष में लगने वाली बीमारियों का नियंत्रण होता है। इसके अलावा मिलवा फसल बोएं, ताकि एक ही फसल में लगने वाले कीड़े और बीमारियों को दूसरी फसल द्वारा रोका जा सके। इसके लिए बाजरे, मक्का के साथ मूंग, चावला, ग्वार, सोयाबीन और चने के साथ सरसों की बुआई करना अच्छा रहता है।